वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सोफिया जावेद। और आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज के पकोड़े। प्याज कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होते, मगर पकोड़े बनाकर आप खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इसके लिए मैंने प्याज लिए हैं 2 अदद बड़े साइज के, 1 कप मैंने लिया है बेसन, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है चावलों का आटा, इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं, इससे जो हमारे पकोड़े हैं बड़े ही क्रिस्पी बनते हैं। 4 अदद मैंने लिए हैं हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है हरा धनिया। स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून दादर मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक और लाल मिर्च पाउडर आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब हम मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। प्याज डालेंगे सबसे पहले, हरा धनिया, हरी मिर्चें मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। बेसन ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें अब चावलों का आटा ऐड करेंगे। आप नमक मिर्च टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसे और डाल सकते हैं। किसी को ज़्यादा स्पाइसी पसंद होता है, किसी को कम, अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। अब हम ट्राई कर लेंगे। इन्हें हम फ्राई करेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। जी हमारे प्याज के पकोड़े तैयार हो गए, बहुत ही प्यारा कलर आया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। जब आप खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इसी तरह हम बाकी सारे फ्राई कर लेंगे। प्याज के पकोड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप भी हमारी इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे प्याज के पकोड़े कैसे लगे। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।